हेलो नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय नॉलेज में। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सपने में चुचुंदर देखना शुभ अशुभ और इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन आपसे अनुरोध है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिख दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चलिए बात कर लेते हैं स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपने में चुचुंदर देखना कैसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपके सपने में चुचुंदर आता है तो ये शुभ सपना माना जाता है, लेकिन कुछ अवस्थाओं में ये सपना अशुभ भी हो सकता है। चलिए इन्हीं अवस्थाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। हमारी जो पहली अवस्था होती है जिसमें आप देखते हैं कि आपको झुंड में चुचुंदर दिखाई दे रहे हैं, तो ये शुभ सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले दिनों में आपके संबंधियों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ सकती है। आपके मित्र वगैरह, आपके सहयोगियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, जिससे आपको भविष्य में काफ़ी ज़्यादा लाभ हो सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि चुचुंदर कुछ खा रहे हैं, दाना पानी खा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि ये आपको उनको खिला रहे हैं, अगर ऐसा कुछ अगर आपको सपना आता है तो ये सपना दर्शाता है कि आने वाले भविष्य में आपको बहुत बड़ी धन प्राप्ति होने वाली है और आपको कार्य में सफलता मिलने वाली है और हो सकता है कोई आपको गुप्त लाभ भी हो सकता है। वहीं अब बात कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि सपने में आप चुचुंदर को मार रहे हैं तो ये सपना थोड़ा अच्छा सपना माना जाता है। इसका मतलब होता है कि आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप जो है शत्रुओं को पराजित करते करते खुद भी अपने लिए जो है आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। भाई हम बात कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि चुचुंदर जो है वो मरा हुआ देखते हैं और आपके घर में चुचुंदर जो है मरा हुआ आपको दिखाई देता है कि आपकी बिल्डिंग वगैरह, आपकी जो प्रॉपर्टी में चुचुंदर आपको सपने में मरा हुआ दिखाई देता है, तो इसका मतलब होता है कि निकट भविष्य में आपके सहयोगी आपके साथ विश्वासघात भी कर सकते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये सपना इस बात की ओर संकेत कर रहा है, खासकर अगर स्त्रियों को अगर ये सपना है तो उनको अपने पतियों पर ध्यान रखना चाहिए और अपने पुत्र या अपने संबंधियों पर थोड़ा ध्यान रखिए, वे आपको धोखा भी दे सकते हैं।